गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम आपको एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये पूछता रहता है। लेकिन उसके पहले दो पॉइंट हम जरा समझ लेते हैं ओम्स लॉ के। पहले बहुत सिंपल सी बात है, देखिए आपने पढ़ा होगा कि एटम इज मेड बाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस, मैंने बताया भी है, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, ये पढ़ा होगा आपने। तो इलेक्ट्रॉन उसमें, चाहे तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है या ना फ्लो हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, सब लोग जानते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटम मेड बाय प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन बना होता है, प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन आपको न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है ना, इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगाता रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, करेंट फ्लो हो अथवा ना हो। तो वही मैं यहाँ पर एक पॉइंट बताया हूँ कि वेन नो सेल और बैटरी कनेक्टेड, हाँ, तब जो करंट फ्लो नहीं ना होती है, तब वो जैसे तैसे घूमते रहे, कोई बोले वाला नहीं है उसको। लेकिन जब करंट फ्लो होती है तो वो जाएगी आपको माइनस टू प्लस। वही मैं यहां पर लिखा, वेन नो सेल और बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस अ मेटल वायर, जब कोई सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं हो, लाइन नहीं आ रहा हो उसमें, ठीक है, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है यह सेल तो लाइन आएगा, लाइन नहीं आ रहा, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन्स इन इट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्लो एट रैंडम डायरेक्शन, रैंडम मतलब जैसे मन करे, जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो नहीं होता तो वो रैंडम डायरेक्शन होता है, जिधर मन करे उधर। देखिए डायरेक्शन बता रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर इधर, यहाँ पर लिखे आई जो दिखाए हैं हाईली मैग्निफाइड, क्या इतना बड़ा है, ये मेटल वायर है जी, ये बता रहा है क्या है मेटल, हाईली मैग्निफाइड फिगर हम दिखाए हैं, इतना बड़ा सा थोड़ी ना वायर हो, इतना मोटा वायर होता है, इतना मोटा वायर तो आपको ये जो 11,000 वोल्ट और 133,000 वोल्ट वाला भी नहीं होता है, इतना मोटा वायर 11,000 वोल्ट वाला भी होता है जो ट्रांसफार्मर में पहुंचती है, या 133,000 जो एकदम बड़ा बड़ा टावर में के ऊपर आप देखे होंगे, बड़का बड़का टावर में एकदम मोटा मोटा तार लगा रहता है, ये मैं हाईली मैग्नीफाइड, इतना बड़ा तार नहीं होता है, हाईली मैग्नीफाइड फिगर ऑफ मेटल वायर लिया हूं मैं, ये मेटल वायर है, ये ऐसे जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या दिखा है, मेटल वायर, एक बहुत बड़ा फिगर है, इतना बड़ा होता नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो जब उसमें करंट फ्लो नहीं होती है तब इलेक्ट्रॉन जैसे मन करे वैसे घूमेगा, कोई उसको बोलने वाला नहीं है। लेकिन करंट जब फ्लो होना शुरू होता है तब उसको एक कन्वेंशनल डायरेक्शन में फ्लो कराता है, कहां इलेक्ट्रॉन होता है माइनस टू प्लस। वही मैंने लिखा, व्हेन सेल और बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस अ मेटल वायर द इलेक्ट्रॉन्स इन इट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्लो इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, सब लोग जानते हैं, मैंने भी बताया था आपको क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है माइनस टू प्लस, है ना, कब, जब करंट उसमें फ्लो होती है तब। लेकिन अगर करंट फ्लो नहीं हो रहे तो रैंडम डायरेक्शन, मतलब जैसे मन करे वैसे, ये बहुत बड़ा, ये हाईली मैग्निफाइड फिगर दिखा है, ये देखिए इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसलिए बैटरी वैटरी नहीं लगाए हैं, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इसलिए बैटरी सेल या लगाए हैं, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो कोई नहीं लगाया सेल बैटरी, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तब ना प्लस माइनस दिखाए जी। चलिए आप देखते हैं ओम्स लॉ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, बड़ा ही मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना। हर वीडियो को जो है आपको जो है पॉज कर करके या बढ़ा के नहीं देखिए, एकदम शुरू से अंत तक देखिए, देखिए बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, आप मेरा साथ दो, देखिए कितना मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। अब देखिए ओम्स लॉ, ओम का नियम, तो देखिए हमारे ओम साहब ने एक बात रखा था और वो बात जो है 100% सही है, अब तक सही है। ओम साहब ने एक प्रस्ताव रखा था, बात रखा था कि वोल्टेज जो होता है ना, वोल्टेज वी फॉर वोल्टेज, वो करंट के साथ दोस्ती है। इसका मतलब होता है, मैथ में तो इसको जनरली अल्फा पढ़ते हैं, इस फिजिक्स केमिस्ट्री में इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज वी फॉर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, यही ओम साहब ने बताया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया ओम्स लॉ।
इतने अच्छे काम करके गए तो दुनिया में उसकी यादगारी रहनी चाहिए ना। तो यादगारी को यादगार के रूप में बनाए रखने के लिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम दे दिया गया ओम शिला, ओम का नियम। ठीक है, तो देखिए आपको ये बता रहे थे क्या कि वोल्टेज और करंट दोस्त है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बाबू सीधा संबंध। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है आपका सीधा संबंध। ठीक है, ये हो गया कैच का सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैच का सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सीधा संबंध। कहने का मतलब सीधा संबंध इक्वल से या नॉट इक्वल से, जरा सोच के बताओ सीधा संबंध इक्वल से कि नॉट इक्वल से। सीधा संबंध इक्वल से, गारंटी है सीधा मतलब इक्वल से। ठीक है, तो ये क्या चीज का सिंबल हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी हिंदी में कहते हैं सीधा संबंध। तो देखिएगा क्या है वो ओम्सला, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रहे रेजिस्टेंस है, पॉइंट बताऊंगा आगे, रेजिस्टेंस इससे निकाला गया है ओम्सला के हेल्प से ही रेजिस्टेंस बढ़ का, जैसे रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले बार पढ़ाया है सिंबल बताते समय, तो रेजिस्टेंस कहां से आया, तो यहीं से आया ओम्सला से रेजिस्टेंस आया। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रहे टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ वायर और साथ में टेम्परेचर, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं कि अभी है 20 डिग्री सेल्सियस तो फिर बाद में कर दीजिएगा 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसी बात नहीं है। टेम्परेचर एकदम क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस देन ऑलवेज 25 देन ऑलवेज 25, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पिछला वीडियो में बताया था, है ना, डिफरेंस जनरली जो प्रेशर में होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी दो वोल्टेज का, दो पॉइंट पर के वोल्टेज का डिफरेंस माइनस। तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्टेज जो है अक्रॉस इट्स एंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट सप्लाई थ्रू कंडक्टर, यानी सीधे शब्दों में मैं बोल दूं वोल्टेज हो गया अभी यहां पर लिखा ना मैं वोल्टेज क्या कह रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर वोल्टेज अक्रॉस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट सप्लाई, वोल्टेज क्या कह रहा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल दे दिए टू द कोची करंट सप्लाई करंट, ये ध्यान रहे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इस बात का दिमाग में रखना। तो सिंबल लिख दिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान रहे जब भी आप डायरेक्टली, मैंने बताया अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सीधा संबंध, तो सीधा संबंध किससे आता है जी, नॉट इक्वल से, सीधा संबंध किससे आता है इक्वल से। तो ध्यान रहो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप हटाओगे, लिसन केयरफुली, इफ यू विल बी रिमूव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन देन, है ना, इक्वल एंड अ कांस्टेंट श्योर एंड श्योर टेकन। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इक्वल आएगा और आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, ध्यान रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या आएगी, इक्वल और कांस्टेंट, और करंट का सिंबल मैंने दे दिया आई, तब भी यहां पर इस कांस्टेंट का नाम है आर, आई यानी भी इक्वल टू आर, यही तो हो गया ओम्स ला। अब कहिएगा सर आर कांस्टेंट कैसे, तो इसको मैं प्रूव करके आप बताने जा रहा हूं कि आर आखिर कांस्टेंट कैसे है। एक बार मैं बताता हूं फिर से, वोल्टेज हो गया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो क्या आएगा, इक्वल और एक कांस्टेंट, करंट हो गया आई, है ना, और यहां पर जो कांस्टेंट है उसका नाम है आर, रेजिस्टेंस पहले भी पढ़ा होगा, आई यानी भी इक्वल टू आर, यही होगी आपका ओम्स ला, लेकिन ध्यान रहे कांस्टेंट टेम्परेचर को अभी मैं बता रहा हूं कि आर आखिर रेजिस्टेंस कांस्टेंट कैसे। तो अब देखिए ओम्स ला तो आपने पढ़ लिया, अब उसी को जरा बदल बदल के मैं लिख दिया, भी इक्वल टू आर ये हो गया ओम्स ला, आई आर कह देंगे तो गलती है, अरे अब आर आई कहिए चाहे आई आर कहिए, टू कुछ नहीं तो इंटू का साइन, कुछ नहीं तो टू इंटू थ्री कहिए चाहे थ्री इंटू टू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो भी इक्वल टू आर ये हो गया ओम्स ला, ठीक है,
वी इक्वल टू आर आई ऑन सेल। अब ऐसा करते हैं ना, आर आई को इधर लिखते हैं, वी को उधर, कोई दिक्कत? तो कहिए सर आप बताए थे कि वी इक्वल टू आर आई है, एक चीज बताए थे कि आर आई को एन एल आए, अब वी को एन एल आए, तो यहाँ पर साइन कुछ नहीं था प्लस, तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में लेफ्ट वाला उठा के राइट में, राइट वाला उठा के, तक माइनस माइनस तो कट नहीं जाएगा, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो टोटल को उठा के ले आइए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बताइए, अब यहाँ पर फाइव प्लस थ्री होगा, एकाओ के उठा के लाएंगे तो प्लस है, तो माइनस साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल इधर वाले को इधर ले आए, टोटल इधर वाले को इधर ले आए, तो साइन चेंज करना कीजिए चाहे ना, कोई फर्क ना, लेकिन एकाओ के लाएंगे तो साइन चेंज करना। तो देखिए वी इक्वल टू आर आई, तो आर आई को इधर लाए, वी को उधर, ठीक है? तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इधर ही आर इंटू कुछ नहीं तो इंटू है, साइन कुछ नहीं तो इंटू, इधर इंटू में नहीं जाएगा तो डिवाइड, तो ये भी तो उनसेला होगा, उलट पुलट के खाली लिख दिए, ई वाला ओम चला हुआ, उलट दिए तो ओम चला ना हुआ, फिर उस तरह भी इक्वल टू आर आई को इधर ले भी इधर, तो यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू है, तो इधर आई इंटू में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो ओम्स ला, क्लियर है? ये सब तो इजी चीज है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने पहले भी बताया था, ऊपरे वाला से दोस्ती या नीचे वाला से दुश्मनी, ऊपरे वाला से दोस्ती या नीचे वाला से दुश्मनी, पहले भी आप लोग पढ़े हैं। ऊपर वाला से आजकल क्या चल रहा है, दोस्ती, जैसे मैं स्पीड में ही बताया था, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का दोस्ती चल रहा है ना, स्पीड बढ़ाओगे तो ज्यादा दूर जाओगे है ना, और समय भी कम लगेगा, इधर स्पीड बढ़ाओगे तो कम गया, तो ऊपर वाला से दोस्ती है नीचे वाला से, जैसे 40 के स्पीड से जा रहा था एक घंटा लग रहा था, अब 80 के स्पीड से जाएगा तो आधा घंटा लगेगा, स्पीड बढ़ा दिए तो जल्दी पहुंच जाओगे, तो ऊपर वाला से दोस्ती या नीचे वाला से दुश्मनी, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ऊपर वाला से दोस्ती है देखिए, नीचे वाला से दुश्मनी, यानी करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट कमेगा तो वोल्टेज कमेगा, और करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस है ना। देखिए तो वही मैं यहां पर लिखा हूं, चलिए मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा आगे। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे लिख देंगे तो गलती हो जाएगा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, कहने का मतलब कि मींस इफ करंट डबल तो वोल्टेज आल्सो डबल है ना, करंट हो जाएगा बउआ हाफ, करंट क्या हो जाएगा तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना है, तो इनवर्स आप कीजिए, हाफ किया ना तो इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, वन बाई टू हाफ ना किए हैं, तो इसका इनवर्स टू बाई यानी टू, तो करंट हाफ तो ये डबल हो गया। अगर करंट कह दिया मैं कि वन बाई थ्री आई हो गया यानी वन थर्ड हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनवर्स में है, तो इनवर्स कीजिए आप, तो कितना हो जाएगा इनवर्स इसका, थ्री अपॉन वन यानी थ्री आई, तो क्या हो जाएगा थ्री टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा थ्री टाइम्स हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह अब करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस यहां पर लिख दिए, इस मींस करंट इज डबल, अब देखिए करंट हो गया डबल तो इनवर्सली ना जी, तो डबल अभी बताए नीचे कुछ नहीं तो वन, नीचे कुछ नहीं तो इसका इनवर्स ना, करंट डबल तो ये हाफ हो जाएगा, करंट डबल तो ये तो डबल यानी टू बाई वन तो हाफ हो जाएगा, इसका इनवर्स ना तो वन बाई टू, तो वन बाई टू हो गया ना, तो ये डबल हुआ तो इसका इनवर्स हो जाता है ना, तो हाफ हो जाएगा, तो वही लिखा कि मींस करंट इज डबल तो रेजिस्टेंस हाफ। अब करंट फाइव बाई फोर टाइम्स तो इनवर्सली ना है, करंट फाइव बाई फोर टाइम्स, करंट क्या हो गया फाइव बाई, तो इनवर्सली ना जी, करंट इज डबल हो गया तो ये हाफ हो गया, अब करंट फाइव बाई फोर टाइम्स, तो करंट और रेजिस्टेंस का क्या चल रहा है दुश्मनी, करंट और रेजिस्टेंस का क्या चल रहा है, यानी ये हो गया फाइव बाई फोर टाइम्स, तो इनवर्स है तो कितना हो जाएगा, इनवर्स माने नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला, तो यानी रेजिस्टेंस हो जाएगा फोर बाई, क्लियर हो गया? अब चलिए थोड़ा सा मैथमेटिकल हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर कैसे हो जाएगा। अब देखिए
मैंने आपको बताया क्या कि करंट और वोल्टेज का दोस्ती चल रहा है और करंट और रेजिस्टेंस का दुश्मनी चल रहा है। अब देखिए उसको मैथमेटिकली मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ, दो दो एग्जांपल दिया हूँ हर एक चीज का, ठीक है, मैथमेटिकली एक्सप्लेन। जैसे देखिए ये सब पढ़ने से आपको क्या होगा ना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन के प्रति जो डर है वो आपके दिलो दिमाग से गायब होगी। इसलिए मैं ये बताता हूँ, बहुत छोटी बात है, कुछ बच्चों के लिए बहुत छोटी बात है हो रहेगी, और जो थोड़ा सा मैथ से जो भागते हैं वो बच्चे ध्यान से देखेंगे बड़ा इंटरेस्ट लगेगा मजे में, और जो मैथ के प्रति जो क्वेश्चंस वगैरह के प्रति जो आपको डर है वो आपका डर भाग जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, I इज इक्वल टू क्या भी वाई आर होता है, इस मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, तो भी मैंने क्या लिखा, ये डबल तो अभी मैंने बताया ऊपर से वाला से दोस्ती, ये डबल तो ये वाला भी डबल। चलिए मैं इसको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, है ना, ये डबल तो ये डबल एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आई का फॉर्मूला भी वाई आर, लेकिन मैं क्या बोला अभी भी इज डबल हो गया, तो डबल हो गया कहने का मतलब टू भी हो गया। अब तो डबल हो जाएगा तो ये भी तो चेंज होगा ना जी, इसलिए मैंने आई डैश लिख दिया। कहिए सर यहां पर आई बराबर टू भी वाई आर कहने लिखे, डबल हो गया भी कह रहा है डबल हो गया भी तो टू भी हो जाएगा। अब यहाँ पर आई डैश क्यों लिख दिए, कहा कि डबल हो गया तो चेंज ना हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा तब दूसरा नाम दे दिए, पहले शुरू में भी आई और चेंज होने पर भी आई, तो कंफ्यूजन होगी ना, इसलिए मैंने इसका नाम आई डैश दे दिया। ठीक है, आप कुछ और आई बन नाम दीजिए, आई एम नाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा अलग नाम दीजिए। अलग नाम देने से क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि ये चेंज है तो ये वाला भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, डाउट है, डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आई डैश डबल हो गया तो टू भी वाई आर, तो टू इंटू भी वाई आर अलग लिख दिए, टू को अलग कर, यहां पर साइन कुछ नहीं तो इंटू, तो टू इंटू भी वाई आर, और भी वाई आर का वैल्यू यहां पर देखिए क्या है, भी वाई आर का वैल्यू आई, यानी आई डैश इज इक्वल टू टू आई, डबल हो गया ना, तो भी डबल हुआ तो आई भी, यानी करंट भी आपका डबल हो गया, यानी मैंने आपको 100% सही बताया। एक और एग्जांपल मैं इसी लेवल में दिया कि भी बिकम्स 1/3 यानी 1/3 भी हो गया, तो करंट भी 1/3 हो जाएगा, करंट भी कितना हो जाएगा। चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर कि अब ये यहां पर क्या लिखा, आई का फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है भी वाई आर, ध्यान से देखिएगा आई इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, भी वाई आर लिखा हुआ। अब ये 1/3 हो गया यानी ये चेंज हो गया तो ये वाला भी, तो इसलिए मैंने इसका नाम आई डैश दे दिया। आप कुछ और नाम दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये चेंज हो गया ना तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने आई डैश नाम दे दिया। अब भी के बारे में क्या कह रहा है कि भी 1/3 हो गया, तो भी की जगह 1/3 भी लिख दिए, भी हो गया है 1/3 तो भी की जगह 1/3 भी, और नीचे आर है लिख दीजिए, यानी आई डैश इज इक्वल टू 1/3। अब भी वाई आर का वैल्यू यह देखिए कितना है, करंट भी 1/3 हो गया, यहां पर लिख दे करंट, क्लियर है। अब देखिए आपका यहां पर देख रहा हूं मैं अब आपको रेजिस्टेंस से कंपेयर कर रहा हूं, तो रेजिस्टेंस और करंट का क्या चल रहा है दुश्मनी, यानी अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये कमेगा, और ये कमेगा तो ये डबल, तो ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस डबल तो करंट भी डबल, नहीं सर दुश्मनी ना है, यस यस डबल होगा तो क्या हो जाएगा, डबल किए तो इनवर्स में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी, मैंने अभी इसके पहले पॉइंट लिखा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका इनवर्स क्या, नीचे पहले बताओ कुछ नहीं तो 1, तो इसका इनवर्स क्या 1/2, तो 1/2 टाइम्स हो जाएगा, ये डबल हो गया तो ये 1/2 टाइम्स हो गया। अगर ये हो जाता है आर के जगह 1/4, आर के जगह आर हो गया 1/4, ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आई क्या होगा, ये 1/4 टाइम्स, तो ये 4/1 टाइम्स, लिख दीजिए तो 4/1 में यानी 4 टाइम्स, क्लियर। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, R becomes half तो I will be क्या डबल, ये हाफ होगा तो ये हाफ का इनवर्स क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा संबंध है। अब इतना देखिए हम बार बार करे ना जाएंगे एक्सप्लेन, डायरेक्ट आप बताइए कितना होगा, अब उतना एक एक करके एक्सप्लेन करिएगा तब तो काम चला,
ये तो मैं आपको दिमाग थोड़ा शार्प करने के लिए बता रहा हूं ताकि माइंड आपका पज जाए एकदम। तो आर हो गया 1/2 टाइम्स हाफ, हाफ मतलब 1/2, आर हो गया 1/2। तो बताइए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली है जो आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, तो इन्वर्स कर दीजिए अभी यानी 2/1 यानी 2 टाइम्स या क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में। देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है। आई आई डैश का नाम दिया क्योंकि ये चेंज हो गया, तो ये वाला भी ये चेंज हो रहा है तो ये भी, इसलिए मैंने आई डैश नाम दे दिया। आप कुछ और नाम दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं। तब भी के भी तो डैश के तहत आर की जगह 1/2 आर हो जाएगा क्योंकि कह रहा आर हाफ है तो 1/2 आर। मेन डिवाइड कौन है भी के बाद वाला, मेन डिवाइड कौन है मेन डिवाइड का, डिवाइड को बदलते हैं तो इंटू में बदलते हैं तो नीचे वाला हो जाता है ऊपर, ऊपर वाला जैसे यहाँ पे है ना आई डैश इज इक्वल टू बी अपॉन 1/2 आर, तो डिवाइड को बदले इंटू में, ये मेन डिवाइड हो गया, ये मेन डिवाइड डिवाइड को बदल दिए इंटू में, तो टू कहाँ चल जाएगा, टू कहाँ चल जाएगा ऊपर, और ये वन आर कहाँ जाएगा नीचे, तो बच गया आई डैश इज इक्वल टू टू आई इंटू वी वाई, टू अलग कर दिए अब वी वाई आर, यानी आई डैश इज इक्वल टू टू अब वी वाई आर का वैल्यू कितना है इक्वेशन फर्स्ट से आई, तो डबल हो गया ना जी, तो 1/2 टाइम्स ये हुआ तो ये हो गया डबल, ठीक है। yes. उसी तरह यहाँ पर देखिए तो लिख दिए करंट बिकम्स डबल। अब देखिए आर के बारे में लिखा 4/9 टाइम्स, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आई क्या हो जाएगा 9/9 ये 4/9 टाइम्स हुआ। yes, तो आई क्या हो जाएगा 4/9 आर 4/9 टाइम्स, तो ये भी 4/9 उल्टा ना जी, इन्वर्स कर दो अलबल आ जाते हो आप लोग 4/9 टाइम्स, मैंने क्या बोला आर जो होगी आप वो 4/9, तो आई क्या हो जाएगा 9/4 उल्टा। अब कैसे होगा जरा यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया मैथमेटिकली, मैथ का डर आप लोग से भगा रहा हूं मैं, कहा कि आप देख के ऐसा कोई चीज से एक्सप्लेन करने आता है तो बस कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैं उस डर को आप लोगों को भगा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा आर हो गया हमें 4/9 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 9/4। चलिए मैं इसको देख लेता हूँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई डैश इज इक्वल टू वी अपॉन आर के बारे में क्या कह रहा है 4/9 यानी 4/9 आर हो जाएगा। अब आई डैश कहाँ दे दिए क्योंकि ये चेंज हो गया तो ये वाला भी, ये चेंज तो ये वाला भी चेंज, तो शुरू में भी आई या बाद में भी आई, इसलिए मैंने आई डैश नाम दे दिया। अब मेन डिवाइड कौन है वी के बाद वाला, मेन डिवाइड है वी के बाद, इंटू में बदल दिए तो 9 चल जाएगा ऊपर अब 4 आर आ जाएगा यानी I dash equal 9/4 को अलग कर दिया ऊपर भी बचा और नीचे R बचा यानी I dash equal 9/4 और भी वाई R का वैल्यू आई, तो 9/4 टाइम्स हो गया ना जी। yes, क्लियर है। देखिए I dash is equal to V upon 4/9 टाइम्स लिख दिए और मेन डिवाइड है इनटू में बदले तो नीचे वाला 9 ऊपर और 4 R हो गया नीचे, तो 9 I dash is equal to 9/4 अब वी वाई आर को अलग लिख दी, तो 9 वी वाई आर का वैल्यू देखिए इक्वेशन फर्स्ट से वी वाई आर का वैल्यू कितना आई, तो यानी क्या हो गया 9/4 टाइम्स हो गया ना ये, यानी करंट बिकम्स 9/4 टाइम्स, ये 4/9 टाइम्स तो ये 9/4 आर हो गया 4/9 टाइम्स, तो आई 9/4 टाइम्स। चलिए अब देखिए अब आप लोगों को मैं ओम्स लॉ को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने अभी बताया कि व्हाट इज ओम्स लॉ, अब मैं ओम्स लॉ को प्रूव करके आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन मैंने क्या दिया प्रूव डेट ओम्स लॉ या प्रूव डेट वी वाई आर इज इक्वल टू आर, मैंने अभी बताया आपको इसके पहले आई इज इक्वल टू वी वाई आर चाहिए, आर इक्वल वी वाई आई चाहिए, या आपको आर इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू आई आर कहिए, तीनों तो ओम से लाना है जी, तीनों का तीनों क्या है ओम से लाई है, ठीक है। आई इज इक्वल टू वी वाई आर कहिए, आर इक्वल वी वाई आई कहिए, v इज इक्वल टू आई आर कहिए, तीनों का तीनों तो ओम से ला के बारे में ही है, तीनों ओम से ला, तो तीनों में से कुछ भी कहे आप समझिए कि क्या है ओम से ला है, तो प्रूव डेट आर वी वाई आई इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू वी वाई आई, आई इज इक्वल टू वी वाई आर है ना, ये सब ओम से ला है, या एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो चारों पांचों एक ही क्वेश्चन है, ये चारों पांचों जो है एक ही, पांचों में से कोई भी कहे तो समझ जाएगा कि ओम्स लॉ प्रूव करना है, इन पांचों में से कुछ भी कहे तो आप समझ जाएगा कि क्या प्रूव करना है
ओम्स लॉ। चलो तो इस एक चीज और ध्यान दो, ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको कि बस किसी तरह R इज कांस्टेंट इन ईच केस, क्योंकि ओम्स लॉ से ही हमने निकाला था कि भी बाई आई, जैसे कि मैंने बताया था कि ओम्स लॉ में ही भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया तो आर आई है ना, तो भी बाई एन इंटू में एन आया तो डिवाइड में भी बाई आर इज आई इक्वल टू आर, और आर जो है हमेशा कांस्टेंट, मैंने मान बताया था कि आर क्या है कांस्टेंट, तो आर अगर कांस्टेंट प्रूव करने में आप सक्षम हो गए तो आपका सक्सेस हो गया, और आर अगर कांस्टेंट प्रूव करने में सक्षम नहीं हुए तब आपका ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैंने यहाँ पर बताया था कि आर इज कांस्टेंट, तो अगर मैं दिखा कांस्टेंट मीन्स हर बार सेम टू सेम, हर बार सेम टू, तो अगर आप दिखाने में सक्षम हो जाते हैं कि आर हमेशा सेम होता है आर, लेकिन ध्यान रहे एट द फिक्स टेम्परेचर, मैंने ओम्स लॉ में ये भी बताया था कि एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा घटा दीजिएगा तब आपको इस वैल्यू में आपको चेंजिंग आ सकती है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसका कंडीशन मैंने पहले ही बता दिया था ओम्स लॉ में कि एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इस बात का आप दिमाग में सेट कर लीजिए एकदम। तो I इक्वल भी वाई आर के इससे कुछ भी कहे समझिएगा सबके बारे में ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ में मैंने आपको बताया था क्या ये वाला, और यहां पर क्या बताया था कि R जो है वो कांस्टेंट होता है इन ईच केस, तो यही तो दिखाना आपको कि वही लिखा है हिंट यहाँ पर किए हैं, फॉर प्रूविंग ओम्स लॉ वी विल प्रूव दैट आर इज कांस्टेंट इन ईच केस, अगर ऐसा दिखा दिया आपका ओम्स लॉ प्रूव हो गया, क्योंकि ओम्स लॉ से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है इक्वल आया था कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पर क्या है आर, तो अगर आर कांस्टेंट दिखा देते हैं, कांस्टेंट मतलब हर जगह सेम टू आर, अगर कांस्टेंट दिखा देते हैं है ना, तो आपका ओम्स लॉ प्रूव होगा। यहाँ पर हिंट भी लिखा कि फॉर प्रूविंग ओम्स लॉ वी विल प्रूव दैट आर इज कांस्टेंट इन ईच केस। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्किट लेते हैं जिसमें 2 एम्पीयर करंट सप्लाई हो रहा है, के वोल्ट के सेल से 3, एक मैंने फिगर बना दिया, हमने क्या क्या कंसीडर अ सर्किट इन विच, इसके लिए आपको मान लीजिए क्योंकि सर्किट आपको लेना ही पड़ेगा, बिना सर्किट लिए हुए आप ये प्रूव नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली अगर आपको प्रूव करना है तो आपको एक डायग्राम लेना ही पड़ेगा, एक बल्ब फैन बल्ब ले लीजिए या फैन ले लीजिए, वो बेसेल ले लीजिए है ना, तो आप बिना इसके आपको ये डायग्राम के प्रूव नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम ले लिया, आप एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं तो आप अलग से बल्ब ले लीजिए सेल ले लीजिए, आप घर पे भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हो, वैसे कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिकली घर पे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 3 वोल्ट का सेल लिए और जिसमें कितना करंट सप्लाई हो रहा है, 2 एम्पीयर करंट सप्लाई हो रही है, ओह शिट, यहाँ पर मैंने 2 एम्पीयर वहां जबकि वहां पर लिया है 0.5, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो देखिए मैंने क्या लिखा लिया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं यहाँ पर 0.5 एम्पीयर लिया हूँ ना, यहाँ पर गलती से 2 एम्पीयर निकाल गया था, ठीक है थोड़ा सा देख लोगे 0.5 एम्पीयर, ठीक है 0.5 एम्पीयर करंट सप्लाई, यहाँ पर मैंने 0.5 लिया है ना, ठीक है 3 वोल्ट है, और यहाँ पर मैंने ले लिया था लिख दिया था 2 एम्पीयर गलती से लिखा गया था, तो यहाँ पर देख लोगे जरा सा, मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किट है जिसमें कितना एम्पीयर करंट सप्लाई हो रहा है, 0.5 एम्पीयर थ्रू अ सेल ऑफ 3 वोल्ट, कितने वोल्ट का 3 वोल्ट का, ठीक है। तो बताइए अब क्या करते हैं, तो एक सेल में अब क्या करते हैं, 2 सेल कनेक्ट कर देते हैं, तो 3 वोल्ट या 3 वोल्ट कितना वोल्ट हो जाएगा, बोलिए 3 वोल्ट और 3 वोल्ट कितना वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट। बउआ मैंने अभी ना थोड़ी देर पहले बताया कि वोल्टेज और करंट का दोस्ती चल रहा है, मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिकली भी प्रूव किया कि ये डबल हो गया तो करंट को कहना नहीं पड़ेगा, वी लिखे 2 सेल्स ऑफ 3 वोल्ट तो टोटल वोल्टेज 6 यानी डबल हो गया है ना, वोल्टेज क्या हो गया 3 था शुरू में अब 6 हो गया डबल हो गया, तो करंट भी क्या हो जाएगी, बोल नहीं रहे हैं करंट भी डबल हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वोल्टेज और करंट का आजकल दोस्ती चल रहा है,
तो देखिए एक सेल लिए है 3 वोल्ट के, तो 3 वोल्ट के सेल में कितना एम्पियर करंट? 2 एम्पियर। उस समय 2 एम्पियर लिखा गया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 0.5 एम्पियर लिखना था तो 2 एम्पियर लिखा गया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। आप 2 एम्पियर लेके भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने डेटा में बनाया है 0.5 एम्पियर लेके, तो यहाँ पर भी 0.5 एम्पियर कर दिए। आप 2 एम्पियर लीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो 2 एम्पियर यहाँ लीजिएगा तो यहाँ पर भी आपको 2 एम्पियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये बस डायग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा या एक्सपेरिमेंटली करना है, तो आप ऐसा कीजिए अमीटर ले लीजिए करंट मापने के लिए। कहिए सर करंट में आपको पता कैसे चलेगा? तो अमीटर लगा के करंट कैसे पता चलेगा? देखिए करंट की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप क्या कीजिए, वो अमीटर लगा दीजिए। अमीटर समझते हैं ना, जो करंट को मैंने बताया था सिंबल जब बता रहा था, तो और एक लगा दीजिए वोल्ट मीटर, ये भी मीन्स हो गया वोल्ट मीटर। अमीटर सीरीज में कनेक्ट करता है और ये वोल्ट पैरेलल में कनेक्ट करता है। सीरीज पैरेलल में आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको चेक करना है ये अंदाजे बता रहे हैं कहाँ से आता ना, आप उसमें करंट को रीडिंग करने के लिए अमीटर लगा दीजिए और वोल्ट मीटर को रीडिंग करने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए, तब आपको हम अपना मन से कह रहे हैं कि करंट इतना आएगा वोल्टेज इतना आएगा, आप रीडिंग कर लो ना, आप देख लो, ठीक है कितना आता नहीं आता। मैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप कहेंगे सर ये 3 वोल्ट कहाँ से लिख दिया आप, 0.5 एम्पियर कहाँ से लिख दिया आप? तो ध्यान दीजिएगा 3 वोल्ट और 0.5 एम्पियर ने इस क्या किया, हमने करंट को मेजर करने के लिए अमीटर लगा दिया उसमें, ठीक है, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया, ये सीरीज में और ये पैरेलल में, सीरीज पैरेलल आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अपना मन से क्या कह रहा हूँ, क्लियर है ना, डाउट हो तो कॉमेंट करिएगा। चलिए यहीं पर मैं ऐसा करता हूँ, डायग्राम में थोड़ा सा लगा देता हूँ, ये अमीटर लगा दिया A4 अमीटर, ये V4 वोल्ट मीटर, ठीक है। यहीं पर मैं डायग्राम में बना दिया A मीन्स अमीटर किस लिए लगाया, करंट मीटर करने के लिए, ये वोल्ट मीटर किस लिए लगाया, वोल्ट मीटर किस लिए लगाया, वोल्टेज मापने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक सेल लिया 3 वोल्ट का जिसमें करंट सप्लाई हो रहा है 0.5, अब क्या किए 2 सेल ले लिए, तब बताइए जब 2 सेल ले लिए तब वोल्टेज 3 वोल्ट कितना हो गया, 6 वोल्ट डबल, तो करंट भी क्या हो जाएगी, क्योंकि सभी आपने पहले पढ़ा कि वोल्टेज करंट का दोस्ती चल रहा, तो ये डबल तो करंट भी डबल हो जाएगी, तो करंट कितना हो जाएगा डबल, तो 0.5 कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो चलिए ऐसा करें, तब कितना लिखते रहे, डेटा बना दिए, इधर नंबर ऑफ सेल्स, इधर वोल्टेज और इधर करंट। चलिए आपको एक और सेल लिए, नंबर ऑफ सेल्स इधर लिखे, क्या को सेल लिखे हैं, एक सेल में कितना वोल्टेज था जी, 3 वोल्ट, और करंट कितना था, 0.5 एम्पियर। तो आप इसमें आर निकालें, आर बराबर क्या, वी बाई आई, देखिए तो वी की जगह 3 वोल्ट था और आई की जगह 0.5, पॉइंट हटा दिए तो पॉइंट का एक डिजिट है तो 1 0 हो जाएगा, तो 30/5 हो गया, यानी कितना, 6 ओम। ये भी एसआई यूनिट, ये भी एसआई यूनिट, तो रिजल्टेंट भी एसआई यूनिट में, ये भी एसआई, तो रिजल्टेंट भी एसआई यूनिट में, ठीक है। उसी तरह हमने अभी आप किस के वो सेल लिया, 2 सेल 3 वोल्ट का, क्या वो सेल लिया, तो वोल्टेज हो जाएगा 6, अभी मैंने बताया तो वोल्टेज हो गया डबल, तो ये भी हो जाएगा, बोल नहीं रहे, ये भी क्या हो जाएगी डबल, तो इसका डबल हो जाएगा अपन, आप निकालिए वी बाई आई, वी के जगह 6 और आई के जगह वन, तो आ गया 6 ओम। फिर उसी तरह आप 3 वो सेल लिए, क्या वो सेल, 3 वो सेल, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट, शुरू में 1 सेल का 3 वोल्ट, तो 3 वो सेल का 9 वोल्ट, तो निकालिए आई, आर निकालिए वी बाई आई, तो वी के जगह 9 वोल्ट और आई कितना आया 1.5, तो पॉइंट हटाइए तो 1/2 0 तो 90/15, यानी कितना हो जाएगा 6 ओम। फिर 4 वो सेल लिए तो कितना वोल्टेज हो जाएगा, 4 वोल्ट, तो 1 वो सेल का 3 वोल्ट, तो 4 वो सेल का, तो करंट भी तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 0.5 था, तो 0.5 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 एम्पियर। 0.5 था शुरू में, अब 4 गुना इसका हो जाएगा 2, तो निकालिए आर, जी बटाई, तो भी के जगह 2 बिल, अब भाई आई के जगह 2, यानी 6 ओम। तो क्या देखा हमने कि रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट इन ईच केस, यही तो प्रूफ हुआ करना था,
मैंने आपको बताया कि प्रूव करने के लिए आपको रेजिस्टेंस आपको कांस्टेंट दिखाना पड़ेगा, तो मैंने और ये भी बताया था आपको कि जो है वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज डबल तो करंट डबल, वोल्टेज हाफ तो करंट भी हाफ, वोल्टेज फोर टाइम्स तो करंट भी फोर टाइम्स, वोल्टेज थ्री टाइम्स तो करंट भी थ्री टाइम्स। तो क्लियर है, डाउट हो कॉमेंट करिएगा। अब देखिएगा ये तो क्लियर हो गई आपको कि आर जो है कांस्टेंट हो गया है ना, कैसे कि इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या डायग्राम बनाए, आप डायग्राम घर पे भी बना सकते हो। करंट मेजर करने के लिए आप मीटर लगा दोगे और वोल्ट मीटर मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दोगे, उससे एक सेल लिए तो 3 वोल्ट आया था, तो और करंट रीडिंग किए थे तो कितना आया था 0.5, दो सेल लिए तो डबल हो गया, डबल वोल्टेज हो गया तो ये भी डबल हो गया, वन तीन सेल लिए तो ट्रिपल हो गया, तो 3 गुना तो ये भी 3 गुना 1.5, 4 सेल लिए है ना तो ये 4 टाइम्स हो गया वोल्टेज, एक हो गया 3 वोल्ट तो 4 हो गया 12 वोल्ट, तो एक का करंट भी 4 टाइम्स हो जाएगा, तो एक का 0.5 तो 4 को रहेगा तो 2, और निकाले वी वाई आई यानी आर, तो आर देखें 6 6 6 6, तो आर इज कॉन्स्टेंट इन ईच केस, तो आर हमेशा सेम आया। इसको ग्राफ लाइन से भी दिखा सकते हो, अगर ग्राफ लाइन देखो आप 9th में पढ़े होगे यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ लाइन अगर स्ट्रेट होता है तब वो कांस्टेंट, और ग्राफ लाइन अगर एक कर्व हो जाता है, ध्यान दोगे ये देखिए अगर ग्राफ लाइन ऐसा दिखा दिए तो गारंटी है कांस्टेंट, और अगर ग्राफ लाइन ऐसा आ गया इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ग्राफ लाइन चलो दूसरा तरीका, ग्राफ लाइन भी इसका शो करते हैं है ना, शो करते हैं वोल्टेज करंट ग्राफ, वोल्टेज करंट ग्राफ शो करते हैं। तो वोल्टेज को मैंने रख दिया वाई एक्सिस में और करंट को रख दिया एक्स एक्सिस में, वोल्टेज को वाई एक्सिस में और करंट को एक्स एक्सिस में। देखिए वोल्टेज मैक्सिमम कहां तक गया है, 2 बेल, मैक्सिमम कहां तक वोल्टेज गया है, तो ऐसा करते हैं ना 3 3 वोल्ट का ही, जैसे इसमें ग्राफ लाइन में ऐसे होता है इस तरह से ढेर सारा लाइन, ठीक है इस तरह से ढेर सारा लाइन होता है ग्राफ में, तो आप क्या करते हो ना ये 0, अब जरूरत के अनुसार यहां पर तो 1 हो जाता है ऐसे, अब जरूरत के अनुसार इसको 5 मान लिया जाता है, 10 मान लिया जाता है, ऐसा आप लोग मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे। अब 10,000 आ गया, 2,000 आ गया, 2 लाख आ गया, 8 लाख आ गया, तो क्या 8 लाख डिवीजन आपके पास है, अगर इसको 1 मानोगे 2 3 4 25 मैक्सिमम 25 को 26 को आपके पास लाइन होता है, तो 25-26 में तो खत्म हो जाएगा, 2 लाख रिप्रेजेंट करना हो 1 लाख रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कभी कभी जरूरत के अनुसार जब पूरा एडजस्ट नहीं ना हो पाता है, अब हमको 10,000 तक है तो 10,000 तो गारंटी है कि इसमें एडजस्ट नहीं होगा, अगर करेंगे तो 1 2 3 4 जहां तक है 25-26 तक जाएगा, तो 10,000 कैसे दिखाना है, तो जरूरत के अनुसार क्या करते हैं, यहां से यहां 1 डिवीजन को हम 1,000 मान लेते हैं, ये 2,000 3,000 4,000 इस तरीके से। उसी तरह आपको यहां पर जो है क्या देख रहे हैं हम कि 12 वोल्ट तक गया है, तो 12 वोल्ट मान सकते हो यहां तक गया है, मैक्सिमम कितना वोल्ट तक, 12 वोल्ट तक, तो ऐसा करता हूं कि यहां पर मैं मान लेता हूं इसको 1 डिवीजन इक्वल टू 3 वोल्ट, मैं यहां पर लिख देता हूं 1 डिवीजन इक्वल 3 वोल्ट इन एक्स एक्सिस है ना, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 एम्पियर इन वाई एक्सिस, ठीक है। तो 3 वोल्ट 6, चलो ग्राफ लाइन इस तरह से रहता है दिखा देता हूं मैं, तो 9 3 हो गया, ये करंट है दिखा है, सॉरी यहां पर करंट है, तो करंट में यहां पर कितना मान लिया 1 मान है, तो ये 1 ये 2 ये 3 4 जरूरत नहीं है, तो इसमें लिख देते हैं आई इन एम्पियर, ब्रैकेट में लिख दिया आई मीन्स एक्स एक्सिस में दिखाए आई करंट क्या चीज में इन एम्पियर, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं इस तरह से लिखा होगा 3 6 9 12, यहां पर लिख देते हैं भी है ना, वोल्टेज दिखाए हैं, समझ जाएगा थोड़ा गिजबिज हो रहा है नहीं लिख पा रहा हूं, ठीक है आप समझ जाएगा 3 वोल्ट 6 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट, ठीक है। यहां पर मैं देख रहा हूं कौन सा क्या क्या शो कर रहा हूं मैं, वोल्टेज करंट ग्राफ,
तो ग्राफ से भी पता चल जाएगा, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो कांस्टेंट है, और ग्राफ लगे अगर कर्व लाइन, जैसे ग्राफ ऐसा आता है तो कांस्टेंट होगा, और अगर ग्राफ ऐसा आता है तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नहीं होगा कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब मैं यहां पर देखिए, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि 10,000 दिखाना हो 20,000 दिखाना हो तो क्या इसमें यहां तक एडजस्ट हो जाएगा, 4 तक एडजस्ट हुआ, मैक्सिमम 20 को 25 को रहेगा। अब 10,000 कैसे दिखाएंगे, तो जरूरत के अनुसार हम मान लेते हैं, है ना, तो यहां पर 10,000 तक दिखाना हो तो इसको 1,000 मान लेंगे, यहां पर 2,000, 3,000, 4,000 इस तरह से। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1 division = कितना मान लिया है जी 3 volt, कौन एक्सिस में, बाई एक्सिस में, 1 division = डिवीजन समझ रहे हैं ना, एक घर 1 ampere इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर मैं वोल्टेज दिखाया हूं, याद आ रहा जी, छोड़ देता हूं। ठीक है, ये बाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, आप दिखाइए पॉइंट, पहले एक्स एक्सिस को दिखाते हैं कि पहले बाई एक्सिस को, बोलिएगा, पहले एक्स एक्सिस और उसके बाद तो देखिए, तो एक्स एक्सिस वाला कौन है, करंट ना है जी, लिख देते हैं यहां पर एक्स एक्सिस, और यहां पर ये वाला इन बाई एक्सिस, यहां पर मैं लिख दिया हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये वाला एक्स एक्सिस में और ये वाला बाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में कितना है 0.5, तो 0.5 तो ये यहीं तक हाफ रह जाएगा, यहां से यहां 1 तो 0.5 यानी बीचों बीच में जाएगा, और 0.5 एक्स एक्सिस में, बाई एक्सिस में कितना 3, तो 0.53 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह एक्स एक्सिस में कितना जा रहा है, और बाई एक्सिस में ये वाला ना 12, अरे इसका घर तो इसका घर में 6 में मिल रहा है जी, ई वाला एक्स एक्सिस वाला, ई वाला एक्स एक्सिस वाला ही, या बाई एक्सिस वाला ही, है ना, बाई एक्सिस वाला ही और एक्स एक्सिस वाला ही, ऐसा नहीं, इस एक्स एक्सिस में कितना 1, तो बाई एक्सिस में कितना इसका 6, तो एक्स एक्सिस में चले 0 से यहां तक है 1, और 6 का ऊपर चले गए यहां पर, इस तरीके से आप ग्राफ पेपर पर शो करोगे सही सही एकदम होगा, आप ग्राफ पेपर पर शो करो एकदम सही सही होगा। तो फिर एक्स एक्सिस में 1.5, तो 1.5 क्या होगा 1, 1.5 1 और 2 के बीचों बीच में, 1.5 क्या होगा 1 और 2 के बीच में, और फिर 9, तो चले 9 यह हो जाएगा। ठीक है, फिर उस तरह एक्स एक्सिस में कितना जाना है 2, और वाई एक्सिस में 12, है ना, एक करंट को एक्स एक्सिस में रखे और वोल्टेज को वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में कितना जाना है 2, चल दिए, अब वाई एक्सिस में देखिए 12, तो ऊपर जाएंगे जी, ये देखिए आप क्या करते हैं ग्राफ बनने के लिए पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, तो वहां पर क्या देखा मैं कि ग्राफ ना ये थोड़ा सा हमसे इधर उधर हो गया है, आप ग्राफ पेपर पर शो करोगे तो 100% आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा ही मिलेगा, हमसे थोड़ा सा इधर उधर हो गया चूंकि मेरे पास ये ग्राफ सही सही हम शो नहीं कर पाए। ठीक है, तो आप जो है ग्राफ पेपर पर शो करो 100% आपका एकदम स्ट्रेट लाएगा, तो ग्राफ लाइन इज स्ट्रेट, है ना, तो इसका मतलब हुआ कि वी आई का ग्राफ जो है कांस्टेंट होगा, कि आपका जो है नॉट कांस्टेंट, यानी वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ लाइन वी आई ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज मींस और इज, थोड़ा समय मिटा के बढ़िया से लिखता हूं, जगह की कमी है मेरे पास, जगह की कहीं कमी है, डेट इज वी आई, थोड़ा जगह भी बचाता हूं, ग्राफ लाइन इज स्ट्रेट, वी आई ग्राफ लाइन क्या है स्ट्रेट, है ना, हेंस कह सकते हैं आर इज कॉन्स्टेंट, हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था हमको, यही हमको क्या प्रूफ करना था, ओम्स लॉ के लिए क्या प्रूफ करना था, आर इज, यहां से भी प्रूफ हो जाता है, ग्राफ दिखाते हो तो और बढ़िया से मार्क्स दे देगा, फुल एंड फुल मार्क्स देगा। ठीक है, आपको क्या दिखाना प्रूफ करना था, ओम्स लॉ, या ये सब एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओम्स लॉ प्रूफ करने के लिए आपको और को कांस्टेंट दिखाना पड़ेगा, तो यहां पर अलजेब्रिक अलजेब्रिक कांस्टेंट दिखाएं, मैथमेटिकली सॉल्व करके द सम आया 666, तो आर इज कांस्टेंट इन ईच केस, तो यहां पर से भी प्रूफ कर सकते हैं, और अगर ग्राफ दिखा दिए तो तुम बहुत सोने पे सुहागा। ठीक है, तो उसको प्रूफ करने के लिए क्या किया,
वोल्टेज को y एक्सिस में, करंट को x एक्सिस में। तो देखिए हम जगह हमारे पास नहीं थी उतना ज्यादा, तो क्या किया जाए कि एक घर को y एक्सिस में 3 मान लिए, 3 वोल्ट, तो ये 6, ये 9, 12, यहाँ पर एक घर को 1 मान लिए। ऐसा होता है, बड़ा बड़ा डेटा रहता है तो मान लेते हैं 1000 एक घर को, 2000, 3000, 10000, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है। तो दिखा दिए, तो x एक्सिस, इसको x एक्सिस में 0.5 और y एक्सिस में 3, तो 0.5 बीचों बीच में, y एक्सिस में 3 यहाँ, फिर x एक्सिस में 1 और y एक्सिस में इसका 9, इसका घर तो इसके घर में ना, तो x एक्सिस में 1 और y एक्सिस में 6, तो x एक्सिस में 1 और y एक्सिस में 6 यहाँ पर। तो इस तरह से दिखा दिए, अब सब पॉइंट्स को मिला दिए तो ग्राफ लाइन कैसा मिला, स्ट्रेट, यानी कह सकते हैं आर इज कॉन्स्टेंट। यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ प्रूफ करने के लिए आपको आर कॉन्स्टेंट दिखाना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट आ गया, प्रूफ तो ठीक है। वीडियो आप लोग को अगर अच्छी लग रही हो तो एक बात मैं जरूर बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो भी आपको जो है मिल सके और अपने दोस्तों को भी मिल सके, ठीक है।